हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का आखिर क्या कहना, जब चाहे जहां चाहे खड़ी हो जाती हैं। सवारियां परेशान होती हैं तो क्या हुआ, हम तो नहीं सुधरेंगे। पिछले कुछ दिनों से HRTC की बसों की दयनीय हालत के किस्से रोज कहीं ना कहीं से सामने आते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब बसें बीच रास्ते में खड़ी ना हो। हैरानी इस बात की है कि ना तो मंत्री महोदय और ना ही परिवहन विभाग को इसकी कोई चिंता है और ना ही कोई फिक्र है। कहीं पर बसों से धुआं निकल रहा है तो कहीं पर बीच रास्ते में ये बसें साथ छोड़ रही हैं। और अब आज का ताजा किस्सा सुनिए। मंडी से पठानकोट के लिए रवाना हुई HRTC के जोगिंदर नगर डिपो की खटारा बस नंबर HP 53-8829 अभी पद्धर के पास पहुंची थी कि हाँफ गई। पद्धर के पास इंजन ओवरहीट हो गया। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते बस में सवार 12 यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट करवा कर उन्हें आगे भेज दिया और खुद बस का इंजन ठंडा करने में जुट गए। पानी की बौछारें डालकर बस का इंजन ठंडा किया गया और दोनों खाली बस को जोगिंदरनगर की तरफ लेकर चल पड़े। अभी बस मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं चली थी कि उरला के पास फिर से इंजन गर्म हो गया। यहां पर भी आधे घंटे तक पानी की बौछारें मारकर इंजन को ठंडा करना पड़ा। यहां पर इंजन ठंडा करने के बाद दोनों ड्राइवर कंडक्टर आगे के लिए रवाना हुए। 5 किलोमीटर बाद फिर से बस ने सांस छोड़ना शुरू कर दी। घटासनी के पास फिर से बस का इंजन गर्म हो गया और यहां फिर से इंजन पर पानी की बौछारें मारकर उसे ठंडा करना पड़ा। इसके बाद बस को जोगिंदरनगर पहुंचाया जा सका।